तो यहाँ पे इस वक्त मैंने ये निकाली है जहरा के कपड़े और इनके शूज भी निकाल लिए हैं और उठा रही हूँ मैडम को, जो उठने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। टाइम इस वक्त हो रहा है ऑलमोस्ट 11, सुबह के 11 बज रहे हैं, हमें जाना है कहीं काम से। मैडम को उठा रही हूँ पर मैडम अभी बिल्कुल भी उठने के मूड में नहीं है, इसको उठाना पड़ेगा जल्दी से। सारी चीजें यहाँ पर रेडी है, बड़ी मुश्किलों से ही सही अभी भी रो रही है। मैडम को मैंने रेडी कर दिया है पूरा। मम्मा की शहजादी, बस मुंह धुलाना बाकी है गुगू का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर सुमार ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत होंगे, हमें बिल्कुल ठीक है। आज सुबह सुबह हमें जाना था कहीं काम से और ये मैडम उठने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि ये आराम से सुबह में ही सोती है, रात में ये जितना चाहे इसको जगवा लो। मतलब ऐसा होता है ना, रात में नींद नहीं आती और सुबह उठा नहीं जाता, तो ये चीज़ ज़हरा बतूल के साथ है। रात में ये सोने का नाम नहीं लेती और सुबह में फिर ये आराम से सोकर उठती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। बट जैसे तैसे मैंने उसको तैयार कर ही दिया और अभी माशाल्लाह से ये मैडम तैयार है, बिल्कुल तैयार होकर बैठी हुई है और मैंने भी बुर्का पहन लिया है। बस वेट कर रही हूँ उमेर का, उमेर रेडी हो जाए फिर हम निकलते हैं, जो काम है हमारे जल्दी से वो कर लेते हैं। उमेर के ग्लासेस भी निकाल दें क्योंकि बाहर है बहुत ज्यादा धूप। ये पकड़ेंगे आप पापा के ग्लासेस? थैंक यू। लाइटें और पंखे करते हैं बंद और इनका रोना अभी भी चालू है। आ जाओ भैया, हम हो गए हैं बिल्कुल रेडी, ऐसे कर दिए सारे काम। सनलाइट में आगे ना थोड़े से प्यारे लगने लग जाते हैं, है ना सर? अब तो प्यारे, अभी मूड बहुत ऑफ है मैडम का। जाते जाते शीशे में भी देख लेते हैं खुद को। चलो चलो अब निकलते हैं, बिस्मिल्लाह। बिस्तर लिप बाम, मौसम बिल्कुल चेंज हो गया, नवंबर लग चुका है तो लिप बाम की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, तो बस ये दो चीज़ें जल्दी से लेते हैं। क्या कह रहे हैं, गाड़ी को पार्क पे लगाने, गाड़ी मतलब बाइक को पार्किंग में लगाने, फिर हम निकलते हैं और अंदर से ये दो काम झटपट करके आते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद बच्चों को लेने के लिए स्कूल भी जाना है, टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। जय बो, हम वेटिंग कर रहे हैं बाबा जाने की। और कितनी कड़कती धूप है यार, अंदर जाके इतना प्यारा सा ही कॉर्नर लगा हुआ था डेयरी मिल्क का और पूरा स्टेडियम छोटा सा बना हुआ था। ज़हरा बतूल को बहुत अच्छा लगा, यहाँ से हमने ज़हरा को एक डेयरी मिल्क भी दिला दी। अब चलते हैं घर। गए कैसे थे और आए कैसे, हालत ही बुरी हो गई। कैब ज़हरा के सर पे था और वापसी में मेरे पास है, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। अभी उमेर गए बच्चों को स्कूल से लेने के लिए और बस हम चलते हैं घर में, आराम करते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये जय वो क्लीन कर लिए? ओके कम वेट, मम्मा दे ये। मैंने वहाँ ली थी चॉकलेट, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे अपने हाथ गंदे कर लिए थे और साथ साथ मेरे बुर्का, हर तरफ इन्होंने चॉकलेट लगा दी। घर आके ज़हरा बतूल को सुला दिया, मुझे धोने थे कपड़े तो झटपट लगाई मैंने मशीन, और ज़हरा बतूल को सुलाते हुए ना मेरी भी हल्की सी आग लग गई थी, तो बस अभी थोड़े बहुत कपड़े उनको जल्दी से धो लेती हूँ, फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा तो उनके साथ करेंगे नाश्ता। थकावट इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी काम करने की, बस सोचा कि थोड़े बहुत कपड़े हैं जल्दी से धो लो, हिम्मत कर ही लो वरना फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और लगे हाथ ना मैंने चादर भी यहाँ से उठा ली थी कि ये दो तीन चादरें जो होती हैं इनको भी धो के रूम को बिल्कुल क्लीन कर दूँ। ऑलमोस्ट मेरा काम बिल्कुल फिनिश हो चुका था, बस लास्ट लास्ट में ये चादर को सेट करा मैंने, इस गद्दे को सेट करा, इसको भी सोच रही थी एक दो दफ़ा बिल्कुल घुमा फिरा के सही से सेट करा। और लकीली ना ज़हरा बतूल थकी भी इतनी थी कि वो आराम से सो रही थी, तो मेरे काम झटपट हो गए सारे। बच्चे सो रहे होते हैं ना तो एक घंटे का काम मुझे लगता है कि आधे घंटे में हो जाता है झटपट से, बट अगर बच्चे साथ में हो ना तो वो एक घंटे का काम दो घंटे ले लेता है। मेरा काम तो ऑलमोस्ट अब अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुका है, अब करूंगी नाश्ता बच्चों के साथ। यस, थैंक यू बोला पापा को, थैंक यू बाबा जानी। और ये आ चुका है अयान का केक, जो कि हाथ के हाथ हमने मंगवा लिया, ये लेके जाएंगे अयान सुबह स्कूल में। अयान आपका केक आ गया भाई, हैप्पी बर्थडे। भाई तो सो गए, चलो इसको रखते हैं हम फ्रिज में।
तो ये है आयान का केक। कल है आयान की बर्थडे, इसका केक मैंने आज ही मंगवा लिया है। क्यों थोड़ी देर में बताते हैं, अभी फिलहाल अंदर से देखते हैं केक को। और ये अंदर से कुछ इस तरह है। वाह, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। हैप्पी बर्थडे आयान, बहुत ही क्यूट लग रहा है। और ये लेके जाएंगे अपने स्कूल में। तो केक मैंने देख लिया है, क्योंकि ये हम खाने तो नहीं वाले, ये जाने वाले हैं इनके स्कूल में। अब इसको पैक करके मैं रख देती हूँ वापस से। का केक इस वक्त इसलिए मंगवा लिया क्योंकि अयान को केक लेके जाना है स्कूल में। उनकी फरमाइश थी कि इस बार उन्होंने केक ना स्कूल में काटना है अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ। तो बाबा ने भी एग्री किया और मैंने भी कि चलो, पहले जितनी भी बर्थडे रही बहुत छोटे थे, अब थोड़े बड़े हो रहे हैं तो अलग अलग फरमाइशें भी हैं इनकी, देते हैं। तो सुबह ये लेके जाएंगे अपने स्कूल में केक। तो इसीलिए ना मैंने इसी वक्त केक को मंगवा लिया है कि सुबह 7 बजे तो कुछ भी मिलेगा नहीं, कोई बेकरी वगैरह भी ओपन नहीं होगी, तो इस टाइम पे मंगवा के रख लिया ताकि सुबह कोई भी टेंशन ना रहे और इजीली आयान केक लेके चले जाए। आयान हैप्पी बर्थडे। और लंच बॉक्स में बना है पिज्जा, इसको जल्दी से कर देते हैं पैक। तो केक भी मैंने निकाल लिया है फ्रिज में से और लंच में मैंने आ दिया है पिज़्ज़ा। सही की पार्टी हो जाए इनकी। बहुत ज़्यादा हैप्पी थे हैं आयान और एक्साइटेड भी थे, और साथ साथ फातिमा भी बहुत हैप्पी थी कि भाई चलो भाई की बर्थडे है।